Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari and in this video we are going to learn about the options Greeks. Options Greeks kitne tarah ke hote hain, options Greeks ka symbol kya hota hai, option Greeks represent kya karte hain aur ye calculate kaise kiye jate hain. Ye char panch cheeze hum dekhne wale hain, itni aapke syllabus ke hisab se enough bhi rahegi. Now, what are the options Greeks? ये discuss करने के पहले मैं कुछ basic चीजें आपको बता देता हूँ. Black and Scholes model is very important to know. अगर आपने ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल पढ़ा है कि क्या होता है तो ही आपको ये ऑप्शंस ग्रीक्स आगे समझ में आएंगे. दूसरी चीज, जब भी हमको एक स्टॉक खरीदना होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरे को स्टॉक खरीदना है तो मैं स्पॉट मार्केट में जाऊंगा. वो स्टॉक मैं 50 रुपए में खरीद सकता हूँ. लेट्स से मुझे वो स्टॉक चाहिए 3 मंथ्स के एंड में, इसलिए मैंने आज खरीदा ताकि मेरे पास में रहे 3 मंथ्स के एंड में. मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है, क्योंकि मुझे आज स्टॉक नहीं चाहिए, मुझे 3 महीने बाद स्टॉक चाहिए. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन बाय कॉल ऑप्शन. अब आपको पता है जब आप ऑप्शंस खरीदने जाते हो तो आपके पास में दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो या तो आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हो. अब क्योंकि आपको स्टॉक खरीदना है तो ये राइट आपको कॉल ऑप्शन देता है. अगर आपको स्टॉक बेचना होता तो ये राइट आपको पुट ऑप्शन देता. सो you will buy the call option. Let's say the strike price is 55 and the premium of the call option is rupees 5. Cool. Now, आज आपको 55 रुपए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, आज आपको सिर्फ 5 रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है. दैट इज द प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन. नाउ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम ये स्पॉट स्टॉक की प्राइस अगर चेंज होती है मार्केट में तो ऑप्शन की वैल्यू कितनी चेंज होगी. इन दोनों के बीच का हम रिलेशन देखने वाले हैं. 1 रुपए स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने से कॉल की प्राइस में फर्क क्या पड़ता है. जब भी मैं ऑप्शन की प्राइस की बात कर रहा हूं, ध्यान देंगे, जब भी मैं ऑप्शन की प्राइस की बात कर रहा हूं दैट डजंट मीन कि मैं स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूं. दैट मीन्स कि मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूं. प्रीमियम इज द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन. ठीक है, हम आगे डिनोट करेंगे ऑप्शन की वैल्यू को V0 से. ठीक है, और अगर पुट है तो P0 और कॉल है तो C0. नाउ एक चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टॉक प्राइस का कॉल ऑप्शन की वैल्यू से क्या रिलेशनशिप है. उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सिर्फ स्टॉक प्राइस का ही नहीं, 3 महीने जो हम डिसाइड कर रहे हैं इसमें जब एक एक दिन कम होगा, टाइम टू एक्सपायरी जिसको हम बोलते हैं, एक एक दिन कम होगा तो ऑप्शन की प्राइस में क्या फर्क पड़ता है. फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसमें अगर 1% ऊपर नीचे हुआ तो ऑप्शन की प्राइस पे क्या फर्क पड़ता है. और आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वोलेटिलिटी, लेट्स से 20%, ये रिप्रेजेंट करती है कि स्टॉक की प्राइस जो 50 रुपए है ना वो ऊपर नीचे कितनी होगी. 20% ऊपर नीचे होगी यानी कि वो 40 भी हो सकती है, वो 60 भी हो सकती है पूरे टाइम में. नाउ अगर ये 20 का 21 हो गया या 20 का 19 हो गया, यानी कि वोलेटिलिटी में अगर 1% ऊपर नीचे हुआ तो ऑप्शन की प्राइस में क्या चेंज आएगा. These are what option Greeks suggest you. So we are actually going to see कि पहले हम देखेंगे इनका रिलेशन क्या है स्टॉक प्राइस और कॉल का. फिर हम देखेंगे इनका रिलेशन क्या है, फिर हम देखेंगे इनका रिलेशन क्या है, और फिर हम देखेंगे इनका रिलेशन क्या है. सर आपने बताया था ऑप्शन ग्रीक्स 5 तरह के होते हैं, आपने सिर्फ यहाँ पे 4 वैल्यूज बताई है. स्पॉट मार्केट में ये 4 ही वैल्यूज कंसिडर है, मतलब जो ग्रीक्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे. पांचवा जो है, पांचवा ग्रीक्स में ही चेंज बताएगा. हम डिस्कस करेंगे आगे क्या है वो चीज है. तो आपको एक चीज तो समझ गई कि स्टॉक प्राइस हो, टाइम टू एक्सपायरी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो या स्टैंडर्ड डेविएशन हो, इनमें बदलाव जब आएगा तो उस बदलाव की वजह से ऑप्शन की प्रीमियम में क्या फर्क पड़ेगा, कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो. मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉल लिया है, यू कैन टेक द पुट ऑल्सो. सो इनकी प्राइस में क्या बदलाव होगा ये बताएगा आपको ग्रीक्स. क्योंकि जब भी आपको कॉल ऑप्शन खरीदने या बेचने की बारी आएगी तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह ऑप्शन का प्रीमियम ऊपर नीचे कहां जाएगा, ताकि आप अपना, क्योंकि अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट इन द ऑप्शन इज द प्रीमियम अमाउंट.
So you need to find out what will be the change in the premium with respect to the change in these four items. So one by one, we are going to discuss all the four Greeks. Let's start. Okay, so these are the four Greeks that we are going to discuss. The first one is the delta, the second one is the gamma, the third one is the rho, then theta, and the last one is the vega. Now, मैंने आपसे चार डिस्कस किए थे चीजें. यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ मैंने स्टॉक प्राइस, टाइम टू एक्सपायरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, ये चार चीजें डिस्कस की थी. तो ये चार चीजों में से, यहाँ पांच में से ऐसी कौन सी वो चार ग्रीक्स है जो ये चार चीजें का रिलेशनशिप हमको बताएगी. अब ध्यान दो, डेल्टा रिलेशनशिप बताएगी स्टॉक के प्रीमियम का, यानी कि मैं ऑप्शन के प्रीमियम, ठीक है. तो ऑप्शन का प्रीमियम में तो मैं ले लेता हूं वी जीरो वर्सेस डेल्टा. क्या बताता है डेल्टा? ये बताएगा कि ऑप्शन की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, वैल्यू में कितना चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द स्टॉक प्राइस. स्टॉक प्राइस. रो ये बताएगा, सॉरी डेल्टा ये बताएगा कि चेंज इन ऑप्शन वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन स्टॉक प्राइस. रो ये क्या हो रहा है, चेंज इन ऑप्शन वैल्यू बाय चेंज इन स्टॉक प्राइस. रो ये बताएगा कि चेंज इन ऑप्शन वैल्यू विद द चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट. थीटा ये बताएगा चेंज इन ऑप्शन वैल्यू विद द चेंज इन टाइम, एक दिन ऊपर नीचे होने से ऑप्शन वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा. वेगा ये बताएगा चेंज इन ऑप्शन वैल्यू विद द चेंज इन वोलेटिलिटी या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन. आप इसको क्या बोलते हो, वोलेटिलिटी, ठीक है. सर गैमा क्या बताता है, गैमा को क्यों छोड़ दिया ऐसे ही अलग से. ये बताता है कि चेंज इन डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्टॉक प्राइस. गैमा ये बताता है कि स्टॉक प्राइस में चेंज होने से डेल्टा में क्या चेंज होता है. मतलब गैमा एक ऐसा ग्रीक है जो ये बताएगा आपको कि दूसरे ग्रीक में कितना डिफरेंस आएगा अगर स्टॉक की प्राइस बदली तो. तो हम जो डिस्कस कर रहे थे चार पांच चीजें वो ऐसी है. अब आपको सर याद कैसे रखना है, एक एक करके हम सारा डिस्कस करेंगे तो अभी इतना दिमाग मत लगाओ इन सब में. सर हम याद कैसे रखेंगे? सो अब मैं आपको पांचों में से मेजर बताता हूँ. सबसे बढ़िया और ज्यादा डिस्कशन जो हम करने वाले हैं वो है डेल्टा पे, उसके बाद गामा पे थोड़ा बहुत करेंगे, और उसके बाद रो, थीटा, वेगा, इन पे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, ठीक है. सर याद कैसे करना है? याद ऐसे करना है कि आपको ये जो रो है, रेट है, आर है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी है मतलब टाइम, वी है मतलब वोलेटिलिटी. बहुत ही सिंपल. ऊपर में तो ऑप्शन प्रीमियम है ही आपके कि भैया वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है. वी वेगा वोलेटिलिटी, थेटा टाइम, रो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है. तो ये चीजें बेसिक ध्यान रखना. अब हम सिंबल्स देखते हैं कि इन पांचों को किस तरह से मतलब कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं इन पांचों को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो ये पांच सिंबल है जो आपको ध्यान में रखने हैं. तो सर इसमें से डेल्टा कौन सा है? ये रहा आपका डेल्टा. गामा, रो, थीटा. थीटा याद होगा आपको, याद है ऐसे निकालते थे मैथमेटिक्स वगैरह में. और ये हो गया वेगा. वेगा बहुत सिंपल है, वी है यानी वेगा है, थीटा ओ के आसपास आ गया, रो पी के आसपास आ गया, गामा और ये डेल्टा. डेल्टा भी अगर आप देखोगे तो ये और कुछ नहीं, डी है. सो ये सिंबल्स हो गए आपके. अब आते हैं एक एक करके कॉन्सेप्ट्स पे कि इनका मतलब क्या होता है और इनकी ये लोग ये चीजों का कैलकुलेशन कैसा होगा. अच्छा कैलकुलेशन तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया, ये बाजू में यही फॉर्मूले हैं जो हम यूज करने वाले हैं आखिरी में. नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द डेल्टा. मैंने बोला था आपको डेल्टा क्या करता है. डेल्टा ये बताता है कि स्टॉक की प्राइस में ऊपर नीचे आया
1 रुपए का, तो ऑप्शन की प्रीमियम में कितना ऊपर नीचे आएगा। नाउ यह है स्पॉट मार्केट, यह है ऑप्शंस मार्केट यानी डेरिवेटिव, ठीक है। यहां स्ट्राइक प्राइस है फिलहाल मान लेते हैं सेम 50, ये भी है 50, लेट्स से 45 एंड दिस इज 50 एंड द प्रीमियम 5 रुपए। नाउ वी आर गोइंग टू कीप एवरी अदर थिंग कॉन्स्टेंट व्हेन वी आर चेंजिंग समथिंग। हम यहां पे क्या चेंज करते हैं, डेल्टा सर क्या बताता है, डेल्टा ऑप्शन की प्रीमियम में कितना चेंज होगा ये बताता है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द स्टॉक प्राइस, स्टॉक प्राइस। तो चार पांच चीजें आप याद रखो, एक किसी भी स्टॉक के लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा बिफोर कंटिन्यूइंग विद दिस वीडियो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन वैल्यूएशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो ऑप्शन वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले आपका आता है स्टॉक प्राइस, ठीक है, उसके बाद है स्ट्राइक प्राइस, उसके बाद है सॉरी उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी ऑप्शन वैल्यूएशन पे फर्क पड़ता है, भले ही बहुत कम पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद आपका आ गया टाइम टू मैच्योरिटी, और उसके बाद आपके आ गई वोलेटिलिटी, ठीक है। अब अगर मैं चेक कर रहा हूं कि ऑप्शन का प्रीमियम, ठीक है, वी जीरो, टीलीटी, अब अगर मैं चेक कर रहा हूं कि ऑप्शन का प्रीमियम कितना बदलेगा स्टॉक प्राइस के बदलने से, तो मुझे ये चारों चीजें कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, ये याद रखना, ठीक है। ये मैं बदलूंगा नहीं, तो ना मैं स्ट्राइक प्राइस बदलूंगा, ना मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलूंगा, ना मैं टाइम टू मैच्योरिटी बदलूंगा, ना मैं वोलेटिलिटी बदलूंगा। आई विल कीप द कीप चेंजिंग द स्टॉक प्राइस ओनली। नाउ पे अटेंशन, क्या होगा, स्टॉक प्राइस 50 है, स्टॉक प्राइस 55 है, स्टॉक प्राइस 60 है। अगर स्टॉक की प्राइसेस बढ़ रही है, ध्यान दो, अगर स्टॉक की प्राइसेस बढ़ रही है तो आपका जो ऑप्शन है प्रीमियम कॉल का, वो बढ़ेगा कि कम होगा, वो बढ़ेगा। ये चीज हमने डिस्कस की थी फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन वैल्यूएशन में, एक बार जरूर देखना। लास्ट में जो हमने टेबल बनाया था उसमें, जिसमें हमने पूरा लिखा था कि भैया यहां से ये इंक्रीज होगा तो वो कितना इंक्रीज होगा। सो ये इस तरह से बढ़ेगा, क्योंकि अगर चीजें उधर महंगी होते जा रही है तो वही चीज लोग वहां से खरीदना नहीं पसंद करेंगे, लोग यहां से खरीदना पसंद करेंगे, तो यहां ऑप्शन की डिमांड बढ़ेगी, और अगर यहां ऑप्शन की डिमांड बढ़ रही है तो प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, स्टॉक प्राइस 50 से 55 गई, कितने रुपए चेंज हुआ, 5, ठीक है। कॉल की वैल्यू उसी दौरान कितने रुपए से चेंज हुई, 1। सो व्हाट इज द चेंज इन द कॉल ऑप्शन, 1 रुपीज। व्हाट इज द चेंज इन द प्राइस, 5 रुपए। व्हाट इज द डेल्टा, चेंज इन कॉल डिवाइड बाय चेंज इन स्टॉक प्राइस 1/5, दैट्स नथिंग बट 0.20 इज योर डेल्टा। बहुत ही सिंपल है, यानी अगर मैं बोलूं कि आपका डेल्टा 0.20 है, इसका मतलब स्टॉक प्राइस कितने से चेंज हो रही है, 5 रुपए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा 0.20, 1 रुपया, 1 रुपए से ऑप्शन का प्रीमियम बदलेगा। कितना आसान है समझना। लेट्स से द ऑप्शन का डेल्टा इज 0.40, ठीक है। 50 रुपए स्टॉक प्राइस थी मान लो, 50 से 60 गई, तो ऑप्शन का डेल्टा कितने से बदलेगा, सॉरी ऑप्शन का डेल्टा नहीं, ऑप्शन का प्रीमियम कितने से बदलेगा, 50 से 60 नहीं, 50 से 55 ले लो,
5 रुपए स्टॉक प्राइस बदली, डेल्टा 40 है, 0.40, तो 5 × 0.40 20, यानी 2.0, सो 2 रुपए से ऑप्शन का प्रीमियम बदलना चाहिए, तो ऑप्शन का प्रीमियम आप कितना हो जाएगा, 5 से सीधा 7 हो जाएगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन सम डायग्राम्स, ध्यान देंगे यहां पे, मैं आपको बताता हूं, ये 50 से स्टॉक प्राइस कितनी गई, 55 गई, 5 रुपए, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला जो है वर्टिकल एक्सिस जो आपको दिख रही है वो है ऑप्शन का प्रीमियम, तो ये साइड में जो आपको दिखेंगी वो ऑप्शन की प्रीमियम है, ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो स्टॉक प्राइस है। नाउ 50 से 55 5 रुपए बढ़ने से ऑप्शन प्रीमियम देखो कितना बढ़ा, 8 से 10, यानी 2 रुपए ये बढ़ा, 5 रुपए ये बढ़ा, चेंज इन कॉल ऑप्शन वैल्यू, चेंज इन स्टॉक वैल्यू, डेल्टा का फॉर्मूला यही है, 2/5 करोगे 0.40 योर डेल्टा। आई बात समझ में, स्टॉक प्राइस बढ़ी तो प्रीमियम भी बढ़ रहा है, डेल्टा 0.40 आया कॉल ऑप्शन का। तो मैं यहां पे कुछ लिख लेता हूं आपके सामने, काम आएगी चीजें थोड़ी देर बाद। सो कॉल का डेल्टा कितना, 0.40 आया। लेट्स टॉक अबाउट द पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन यानी राइट टू सेल, बेचना है। जब स्टॉक प्राइस 50 से 55 हो रही है, फिर 55 से 60 हो रही है, इधर स्ट्राइक प्राइस 50 है, यहां 50 में बेच सकते हो पुट ऑप्शन में, वहां 50 में बेच सकते हो, 55 में बेच सकते हो, 60 में बेच सकते हो, तो जब उधर रेट्स बढ़ रहे हैं तो कहां बेचना पसंद करोगे, उधर या इधर? वो स्पॉट मार्केट है सर, ये डेरिवेटिव मार्केट है, आप उधर बेचना पसंद करोगे क्योंकि उधर ज्यादा प्राइस मिल रही है, तो इधर डिमांड पुट ऑप्शन की कम हो जाएगी, पुट ऑप्शन की डिमांड अगर इधर कम हो गई तो उसका प्रीमियम भी कम होते जाएगा, तो उधर प्राइसेस बढ़ रही है और इधर प्रीमियम कम हो रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप है, उधर ग्रोथ हो रही है और इधर कम हो रहा है, उधर अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ी तो इधर पुट का प्रीमियम गिर रहा है और कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इसलिए आप अगर देखोगे डायग्राम, ये ग्रीन लाइन अगर देखोगे तो स्टॉक की प्राइसेस अगर बढ़ रही है तो ग्रीन लाइन नीचे नीचे आ रही है क्योंकि पुट ऑप्शन का प्रीमियम कम हो रहा है। हाउ टू कैलकुलेट द डेल्टा ऑफ पुट, डेल्टा ऑफ कॉल तो आपने निकाल लिया, डेल्टा ऑफ पुट कैसे कैलकुलेट करोगे सर, सेम फॉर्मूला है, ध्यान दो, जब 50 से 55 हुई, 5 रुपए इज द चेंज इन द स्टॉक प्राइस, बट ये कितना होगा, 14 से 12 हो गया, सो चेंज इन द पुट ऑप्शन प्रीमियम इज -2, क्योंकि 2 रुपए से गिरी है तो मैं -2 लिख रहा हूं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, द फॉर्मूला फॉर डेल्टा इन पुट इज चेंज इन पुट ऑप्शन वैल्यू डिवाइड बाय चेंज इन स्टॉक ऑप्शन वैल्यू, -2/5 इज नथिंग बट -0.40। खत्म। सर एक चीज इससे पता चल गई, कॉल ऑप्शन का डेल्टा पॉजिटिव होता है, पुट ऑप्शन का डेल्टा निगेटिव होता है। कॉल ऑप्शन का डेल्टा पॉजिटिव है मतलब स्टॉक प्राइस इधर बढ़ रही है तो पुट कॉल की वैल्यू भी इधर बढ़ रही है, पॉजिटिव, दोनों सेम साइड जा रहे हैं। निगेटिव है इसका मतलब स्टॉक प्राइस बढ़ रही है तो पुट गिर रहा है। अपोजिट लेके बताता हूं, स्टॉक प्राइस गिरी तो कॉल गिरेगा, स्टॉक प्राइस गिरी तो पुट बढ़ेगा, निगेटिव डेल्टा है। आइए आपको इतनी चीजें समझ में। सो दिस इज अबाउट द कॉल एंड पुट ऑप्शन, अब मैं आपको दिस इज अबाउट द बेसिकली डेल्टा, अब मैं समरी में बताता हूँ डेल्टा क्या है। आपको इतनी तो सी चीजें समझ गई कि सर ये जो 5 चीजें आप बोल रहे हो ना, तो डेल्टा इससे रिलेटेड है, स्टॉक प्राइस से रिलेटेड है, और ये चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम बताता है, दिस कैन बी कॉल ऑप्शन प्रीमियम और दिस कैन बी पुट ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है। कॉल ऑप्शन प्रीमियम सर आपने पॉजिटिव बताया था डेल्टा, एंड पुट ऑप्शन का प्रीमियम का डेल्टा आपने नेगेटिव बताया था हमेशा के लिए। नाउ व्हाट इज द रेंज, ध्यान दो अब मैं क्या बताता हूँ आपको। अच्छा पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ये डेफिनेशन आप लिख जरूर लेना आपके पर्पज के लिए, ठीक है। द फर्स्ट ग्रीक इज डेल्टा विच मेजर्स हाउ मच, ध्यान देंगे प्लीज, अब ध्यान देंगे, मैं जानबूझ के आपको पढ़ा के बता रहा हूं, विच मेजर्स हाउ मच एन ऑप्शंस प्राइस, ऑप्शंस प्राइस क्या होती है, ऑप्शन की प्राइस होती है आपका प्रीमियम, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू चेंज, चेंज यानी कि हम ये साइन से डिनोट करते हैं, पर रूपी चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग सिक्योरिटी, यानी कि हम स्टॉक प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट विल बी द चेंज इन वैल्यू, ठीक है, फॉर पर रूपी चेंज इन स्टॉक प्राइस,
For example, a delta of 0.40 means that the options price will theoretically move rupees 0.40 for every 1 rupee move. 1 rupee move hoga. So stock agar upar gaya to call bhi upar jayega aur put niche jayega. Theek hai, agar stock upar gaya let's say 0.40 se, sorry, स्टॉक ऊपर गया लेट से पॉइंट सॉरी एक रुपए से तो कॉल की वैल्यू ऊपर जाएगी 0.40 से, पुट की वैल्यू नीचे जाएगी 0.40 से. सर कॉल और पुट का डेल्टा सेम रहेगा क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. मैंने तो एग्जांपल में लिया था, इट कैन बी लाइक दिस 0.50, ठीक है, बट ये निगेटिव होगा डेल्टा. तो ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर क्लियर विथ मोर क्लैरिटी. नाउ इतनी चीज दिमाग में बैठा लो कि जो कॉल का डेल्टा होता है वो हमेशा इस रेंज में आएगा. ये कॉल का डेल्टा है 0 to 1. पुट का डेल्टा इस रेंज में आएगा हमेशा 0 to -1. सो कॉल का डेल्टा 0 to 1 पॉजिटिव साइड, पुट का डेल्टा निगेटिव साइड. अब कुछ चीजें मैं और आगे आपको डीप में बता रहा हूं. तीन चीजें लीजिए. लेट्स टॉक अबाउट द कॉल ऑप्शन ओनली फॉर द टाइम बीइंग, इजी है समझने के लिए. स्ट्राइक प्राइस है 55, स्पॉट प्राइस है आपकी 40, 55 और 70. नाउ फायदा कहां पे हो रहा है? सर 55 में हम तब खरीदेंगे जब मार्केट में प्राइसेस ज्यादा होंगे. सो ये ऑप्शन में आपको फायदा कितना हो रहा है? 15 रुपए का. बाकी ये तो ऑप्शन लैप्स हो जाने आपके, ठीक है. इस चीज को बोलते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू, ठीक है, जो कि निगेटिव नहीं जाते. नाउ आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये इन द मनी ऑप्शन है, जिसमें फायदा हो रहा है वो इन द मनी है. ये एट द मनी है क्योंकि उसकी स्टॉक प्राइस और कॉल प्राइस सॉरी स्टॉक प्राइस और स्ट्राइक प्राइस सिमिलर है. और ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, ये तो एक्सरसाइज करने से नुकसान होगा. 55 और 40 जो आपको दिख रहा है आउट ऑफ द मनी है, ठीक है. अब एक चीज ध्यान दो, इन द मनी एट द मनी आउट ऑफ द मनी का कॉन्सेप्ट वीडियो भी है, आप एक बार उसको जरूर देखिएगा. अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही कि इन द मनी किसको बोलते हैं, एट द मनी किसको बोलते हैं और आउट ऑफ द मनी किसको बोलते हैं, ठीक है. अब कॉल के डेल्टा की बात करते हैं. जब भी स्टॉक इन द मनी होता है, ध्यान दो कॉल की बात कर रहा हूं, यानी मैं सिर्फ इस रेंज की बात कर रहा हूं, ठीक है, 0 से लेके 1 तक की बात कर रहा हूं. जब भी स्टॉक आपका इन द मनी होता है, यानी आप फायदे में हो, आपको फायदा होगा, ठीक है. जब भी स्टॉक इन द मनी होता है, ध्यान रखना कॉल का जो डेल्टा होता है वो 1 की तरफ भागने लगता है, मतलब इट अप्रोचेस टू टुवर्ड्स 1 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे जैसे मैच्योरिटी कम होती जाएगी, दिन कम होते जाएंगे, वो 1 की तरफ जाता जाएगा 1, ठीक है. सो अगर इन द मनी है एट द एंड भी, तो आपका कॉल का डेल्टा कुछ इसके आसपास आएगा एट द एंड जाके. इन द मनी एट द मनी है तो यहां आएगा, और आउट ऑफ द मनी है तो वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है ना, कोई वैल्यू नहीं है. मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं अब, ठीक है. लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग आउट ऑफ द मनी स्टॉक लेते हैं. अब अगर आउट ऑफ द मनी स्टॉक आपने लिया, यानी कि ये वाली सिचुएशन लो ना, ये वाली 55, 40 और 0. ध्यान देना, मैं फिर से समझा रहा हूं. 40 मार्केट में वैल्यू है, वो स्टॉक की स्ट्राइक प्राइस 55 है, यानी 55 में आप खरीद सकते हो. क्यों खरीदूंगा 55 में? आ रही बात आपके समझ में? जहां पे 40 में मिल रहा तो यहां 55 में क्यों खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा ना, ठीक है. अब वहां पे कोई आ रहा है, यहाँ पे डिमांड है, कुछ भी ऑप्शन की वैल्यू में चेंज होएगा? नहीं. कुछ डिमांड है, बिल्कुल भी डिमांड नहीं है इधर में, मान लो, ठीक है, ठीक है, कोई डिमांड नहीं है.
40 का 30 गया, ध्यान दो, स्पॉट मार्केट में 40 का 30 गया। अब भी 55 में खरीदोगे? नहीं, अब भी उधर रह जाएंगे लोग। तो इधर कुछ हलचल हुई? नहीं। कोई डिमांड आई? नहीं। कुछ हलचल नहीं हुई ना। ऑप्शन की वैल्यू बदलेगी? नहीं बदली। ऑप्शन की वैल्यू नहीं बदली, 30 का 20 हो गया, फिर भी लोग उधर जाएंगे क्योंकि अभी भी आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी है। तो इधर डिमांड नहीं आ रही है, तो ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बदल रहा है। जब ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बदल रहा, ध्यान दो क्या मतलब होता है, मैं आपको बताता हूं। डेल्टा निकालता हूं मैं, ठीक है, इस केस में स्टॉक प्राइस है 40, स्ट्राइक प्राइस है 55, ठीक है, वॉट एवर विद द पुट ऑप्शन, क्योंकि अभी बहुत दिन बाकी है इसलिए, सॉरी, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है कुछ ना कुछ, लेट्स से कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है 5 रुपए, ठीक है। नाउ स्टॉक प्राइस गिर के 30 हो जाती है। देखो पहले वाली सिचुएशन जो है उसमें आउट ऑफ द मनी सिचुएशन है, यानी कि वो टाइम तक, वो टाइम में कोई भी स्ट्राइक प्राइस मतलब ऑप्शन नहीं खरीदेगा, ठीक है। स्टॉक प्राइस और 30 चले जाती है तो और अपरेंट हो जाता है कि हम उधर ही खरीदेंगे क्योंकि और सस्ता हो गया, तो इसकी डिमांड बढ़ी क्या? नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं आया क्योंकि मेच्योरिटी अभी बाकी है, इसलिए मान लो प्रीमियम आपका सेम ही है, देर इज नो हलचल हियर। सो वॉट इज द चेंज इन द स्टॉक प्राइस? 10 रुपए, ठीक है, एंड वॉट इज द चेंज इन द ऑप्शन प्रीमियम? 0, कॉल ऑप्शन प्रीमियम। और डेल्टा, डेल्टा इज 0 डिवाइडेड, डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कॉल ऑप्शन प्रीमियम डिवाइड बाय चेंज इन स्टॉक। सो 0/10 करोगे तो 0 ही आएगा सर, -10 करो वो 0 ही आना है। आई बात आपके समझ में? सो ऐसे टाइम पे डेल्टा 0 की तरफ भागने लगता है, जबकि अगर इन द मनी है तो 1 की तरफ भागने लगता है। इन द मनी ऑप्शन है तो 1 की तरफ भागने लगेगा, और एट द मनी है तो बीच में रहेगा। क्यों? ध्यान दो, मैं ये भी समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया आउट ऑफ द मनी, मैं एट द मनी समझाता हूँ। S0 40 है, KB 40 है, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 50 है। अब क्या है पता है, यहां पे मान लो ये चल रहा है, अब यहां पे चांसेस ऐसा है कि 1 रुपए अगर ऊपर हुआ क्या स्टॉक प्राइस, तो इन द मनी हो गया। 1 रुपए नीचे हुआ तो आउट ऑफ द मनी हो गया, यानी 1 रुपए इधर उधर होने से इन द मनी आउट ऑफ द मनी हो सकते हैं, यानी देर आर 50-50 चांसेस कि वो इन द मनी भी हो सकता है, आउट ऑफ द मनी भी हो सकता है। इसीलिए बीच में अटका हुआ है, भाई मैं ठहरा हूं, मुझे कौन से साइड भागना है ये अभी मैं डिसाइड नहीं करूंगा, अभी टाइम है डिसाइड होने के लिए। इसलिए एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा 1 होता है, एट द मनी ऑप्शन का, सॉरी, एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा 0.50 होता है। बीच में अटक गया क्योंकि एक कदम इधर गया तो इन द मनी की तरफ भागेगा, और एक कदम इधर आया तो आउट ऑफ द मनी की तरफ भागेगा, इसलिए वो बीच में होता है। आई बात आपके समझ में? वैसे इन द मनी है, इन द मनी है तो फास्ट आपको पता है कि भैया हाँ ठीक है, फायदे में ही रहने वाले। सो इन द मनी, लेट्स से स्टॉक प्राइस इज 40, सो इन द मनी की बात करते हैं, ठीक है। लेट्स से इन द मनी कॉल ऑप्शन है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्टॉक प्राइस है 50, स्ट्राइक प्राइस है 40, ठीक है, इन द मनी है। नेक्स्ट डे 51 हो गया, इन द मनी है अभी भी, ठीक है। यार इसको आउट ऑफ द मनी या एट द मनी होने के लिए जितनी स्टॉक प्राइस ऊपर बढ़ रही है ना, मान लो जितनी स्टॉक प्राइस उतनी ऊपर बढ़ रही है, उतने ज्यादा चांसेस आपके बढ़ रहे हैं कि आप जब ऑप्शन एक्सपायर होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि एट द मनी या नुकसान में जाने के लिए ऑप्शन वैल्यू को, नुकसान ऑप्शन लेने को आपको नुकसान में जाने के लिए उसका एट द मनी या आउट ऑफ द मनी में आना जरूरी है, यानी प्राइसेस गिरना जरूरी है, ठीक है। अभी 40 स्ट्राइक प्राइस है और 50 स्पॉट प्राइस चल रही है, जब तक ये स्पॉट प्राइस नीचे नहीं आती 10 से, तब तक एट द मनी नहीं आएगा ना, तो चांसेस कम हो जाते हैं कि इतना ज्यादा चेंज आएगा स्टॉक में टाइम के साथ साथ,
चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो एक एक रुपया अगर अब बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से यहां आपको फायदा कितना होगा, 1 रुपए का होगा। जब आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे मैच्योरिटी पे मान लो, तो 1 रुपए का फायदा होगा ना, 1 रुपए आगे बढ़ा तो अब 1 रुपए से और चांसेस बढ़ गए कि मेरा 1 रुपया और फायदा होगा। आ रही बात समझ में? अब स्टॉक प्राइस कितनी भी आगे बढ़े आपका फायदा 1-1 रुपए से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस वहीं ठहरी हुई है 40, और इधर 1-1 रुपए से अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो ऑप्शन में जब पे ऑफ मिलेगा तो उसके इन द मनी वैल्यू बढ़ती जा रही है 1-1 रुपए से ऑप्शन की। इसी को तो बोलते हैं ना इन द मनी, ये इन द मनी वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये कैसे निकाला आपने, ये इन दोनों का डिफरेंस कितना था सर, पहले इन दोनों का 11 था, अब इन दोनों का कितना है सर, 12 है। तो ये जो है पे ऑफ आपका 1 रुपए से बढ़ गया इसीलिए। और इन द मनी ऑप्शन का प्रीमियम जो होता है, प्रीमियम इज इक्वल टू इन द मनी प्लस इंट्रेंसिक वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, प्लस टाइम वैल्यू। तो ऑप्शन और फायदे में जाते जा रहा है इसलिए वो 1-1 रुपए से फायदा जो दे रहा है इसलिए वो डेल्टा उसका एक की तरफ भागेगा। चलो आपको ये सब चीजें सच तो सिलेबस के हिसाब से जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए बता रहा हूँ। दिमाग में सिर्फ इतना रखो, कॉल डेल्टा 0 से 1 के बीच आएगा, इन द मनी एट द मनी आउट ऑफ द मनी कहाँ आएगा ये भी मैंने बता दिया, पुट डेल्टा भी सेम चीज एट द मनी और इन द मनी। सो पुट डेल्टा में भी यही है, पुट डेल्टा में अगर ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है तो वो 0 की तरफ भागेगा, इन द मनी है तो 1 की तरफ भागेगा, एट द मनी है तो बीच में रह जाएगा, क्योंकि अब अगला स्टेप कहाँ लेना ये पता चलने का है। सो दिस इज कॉल डेल्टा पुट डेल्टा। ये चीजें आपके एग्जाम पर्पज से बिल्कुल भी नहीं है तो इतना इसमें दिमाग लगाना नहीं, ठीक है। ध्यान दो कुछ चीजें, ये चीजें आप एग्जाम के मतलब अगर आए आपको डेल्टा के बारे में लिखने के लिए तो अगर आपको बुक में लिखना है तो ये लिख लो। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी मैं एक बार लास्ट टाइम पढ़ लेता हूँ। कॉल ऑप्शंस का डेल्टा पॉजिटिव होता है, इट कैन रेंज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। एट द मनी ऑप्शंस यूजुअली हैव अ डेल्टा नियर टू 0.50, ये तो हमने डिस्कस किया। द डेल्टा विल इंक्रीज एंड अप्रोच 1, डेल्टा बढ़ेगा और 1 की तरफ भागेगा जैसे जैसे ऑप्शन आपका इन द मनी जाते जाएगा, ठीक है। डेल्टा ऑफ इन द मनी ऑप्शन विल गेट क्लोजर टू 1 एज एक्सपायरेशन अप्रोचेस, मेच्योरिटी जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे इन द मनी अगर ऑप्शन है तो 1 की तरफ भागेगा, और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है तो वो 0 की तरफ भागेगा। समझ में आ गया आपको? सेम चीज अपोजिट पुट ऑप्शन के लिए लिखना आपको। अपोजिट पुट ऑप्शन हैव अ निगेटिव डेल्टा 0 to -1, इसकी वैल्यू होती है एट द मनी का 0.50 होता है, ठीक है। डेल्टा डिक्रीज होता है और अप्रोच करता है -1 को अगर वो इन द मनी जा रहा है, तो वो एकदम एक्सट्रीम राइट लेफ्ट साइड में, इन द मनी का -1, ठीक है, आउट ऑफ द मनी का 0 की तरफ भागेगा जैसे जैसे एक्सपायरेशन आएगी। दिस इज ऑल अबाउट द डेल्टा। इन समरी व्हाट आई कैन से इज डेल्टा रिप्रेजेंट्स, समरी में अगर आपको बताऊं तो ये ऊपर वाली चीजें तो है डेल्टा, ठीक है, ऐसे डिनोट किया जाता है। डेल्टा रिप्रेजेंट्स कि चेंज इन ऑप्शन वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन स्टॉक प्राइस। सो ऑप्शन की वैल्यू पहले 5 थी, अब 6 हो गई, कब, जब स्टॉक की प्राइस 50 से 55 हो गई, यानी 1 रुपए डिवाइडेड बाय 5, यानी कि ये हो गया 0.20। दिस इज नथिंग बट द हेज रेशियो। अब अगर आपको इसको लिंक करना है किसी से तो आप पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल से भी इसको लिंक कर सकते हैं। हम सेम फॉर्मूला यूज करते थे पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल में डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए। ये जो मैंने वहां पे लिखा ये और कुछ नहीं CU-CD डिवाइडेड बाय SU-SD है, ठीक है, हेज रेशियो। अब इसका और एक मतलब मैं बताता हूं, डेल्टा 0.20 है, इसका मतलब यह है कि एक ऑप्शन अगर आपने खरीदा है और उसको हेजिंग करनी है, खरीदा है तो उसको अपोजिट पोजीशन से हेज करोगे। एक ऑप्शन अगर आपने खरीदा है तो इधर 0.20 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे, सॉरी,
एक ऑप्शन खरीदा है तो इधर 0.20 शेयर्स बेच दो, तो ये जो पोजीशन क्रिएट हुई है ना, इसमें अब आपको कहीं नुकसान नहीं हो सकता। इधर फायदा हुआ तो इधर नुकसान होगा, इधर नुकसान हुआ तो इधर फायदा होगा। हेज रेशो 0.20 शेयर्स खरीदने बेचने की जरूरत है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ठीक है। लेट्स से द हेज रेशियो इज 0.20, ठीक है। अब आप इधर एक स्टॉक ऑप्शन खरीद लो, कॉल ऑप्शन विद द वैल्यू ऑफ ₹5, और इधर स्पॉट मार्केट में स्टॉक प्राइस चल रही है मान लो ₹50, ठीक है। आपने क्या किया, इधर लॉन्ग पोजीशन ले ली एक ऑप्शन खरीद के, और इधर आपने 0.20 स्टॉक खरीदा, शॉर्ट पोजीशन ले ली, तो कैश फ्लो क्या हुआ पता है, इधर ₹5 गए और इधर आपके 15 × 0.20 करोगे ₹10 आए, बेच दिया ना तो आए होंगे पैसे, और इधर लॉन्ग किया तो यहां पे ₹5 गए आपके। अब ध्यान दो, स्ट्राइक प्राइस लेट्स से द स्ट्राइक प्राइस इज 40, ठीक है। यहां हमने क्या लिया था, यहां कुछ 50-55 में हमने ऑप्शन की वैल्यू 5 ली थी, यानी कि 45 स्ट्राइक प्राइस आएगी बराबर, ठीक है। तो यहां स्ट्राइक प्राइस है 45। अब देखना क्या होता है, मान लो स्टॉक मार्केट में आपने पोजीशन बना ली, मैं यहां पे आपके डायग्राम बना देता हूं, स्पॉट मार्केट और ये कॉल ऑप्शन। स्पॉट मार्केट में प्राइस 50 चल रही थी, तो आपने 0.20 शेयर्स बेच दिए, ₹10 मिले और यहां से ₹5 गए, ठीक है, पहली पोजीशन में। अब मान लो स्टॉक प्राइस 50 से बढ़ के हो जाती है ₹60, ठीक है, यानी ₹10 से प्राइस बढ़ेगी, ₹10 से स्टॉक की प्राइस बढ़ गई। अब क्या होगा, आपको ₹10 से बढ़ी, आपने तो सिर्फ 0.20 खरीदा है तो आपको उस पर सिर्फ 0.20 का फायदा होगा, तो आपकी स्पॉट प्राइस जो है ना ये बाद में बढ़ के 0.20 से कितनी हो जाएगी, 60 का 0.20 कर लो ₹12, ठीक है, या गिरा वैल्यू गिरा लेते हैं, बेटर रहेगा समझने में, इजी जाएगा। लेट से इट ड्रॉप्स डाउन टू ₹40, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ₹10 से नीचे गिर गई, आपने तो बेच के रखा था 50 में, अब 40 हो गई तो फायदा होएगा, ₹10 का फायदा एक स्टॉक पे है, आपने तो 0.20 ही बेचा तो आपको सिर्फ ₹2 का फायदा होएगा, सो ये बन जाएगा ₹8, इस पे आप बेच सॉरी खरीद लोगे तो ₹8 चले जाएंगे आपके। और ऑप्शन का प्रीमियम देखो, स्ट्राइक प्राइस है 45 और ये हो गया 40, ठीक है, 45 और ये हो गया 40, तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा क्या, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, तो इट विल गो ऑफ। सो गामा की बात करते हैं, अब सेकंड आइटम है गामा, डेल्टा आपको समझ में आ गया क्या है, गामा क्या है, गामा ये बताता है कि डेल्टा में कितना चेंज होगा स्टॉक के प्राइस में चेंज होने से। थोड़ी सी चीजें ध्यान दो यहां पे, पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं, गामा मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन एन ऑप्शंस डेल्टा, ठीक है, पर रूपी चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक। स्टॉक की प्राइस ₹1 से ऊपर नीचे होने से डेल्टा में कितना फर्क पड़ रहा है ये बताएगा। सिंस डेल्टा इज ओनली गुड फॉर अ गिवन मोमेंट इन टाइम, गामा टेल्स यू हाउ मच द ऑप्शंस डेल्टा शुड चेंज एज द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक। छोड़ दो ये, आप एग्जाम कर रहे हो इसके लिए रख लो, मैं आपको मतलब समझाता हूं क्या है। आप डेल्टा कैसे निकालते हो, स्टॉक की प्राइस 50 की 60 हो गई,
ठीक है, प्रीमियम आपका 5 का 7 हो गया। सो हाउ डू यू कैलकुलेट द डेल्टा? स्टॉक प्राइस इधर ले लेता हूँ, 50 का 60 हो गया। प्रीमियम यानी कॉल ऑप्शन का प्रीमियम आपका 5 का 7 हो गया। ठीक है, डेल्टा कैसे कैलकुलेट करते हो? चेंज इन कॉल ऑप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन स्टॉक प्राइस। कॉल ऑप्शन में कितना चेंज हुआ? 2 रुपए का बढ़ा है, और ये भी बढ़ा है 50 से 60 यानी कि 10 से, यानी डेल्टा कितना आया आपका? 0.20। ठीक है, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता था? ध्यान दो मेरी ये लाइन को, ध्यान दो। डेल्टा रिप्रेजेंट करता था कि स्टॉक प्राइस में चेंज आने से ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज आता है, ये आपको डेल्टा बताता था। ठीक है, अब मैं क्या बताऊंगा कि स्टॉक प्राइस में चेंज आने से ऑप्शन के डेल्टा में कितना चेंज आता है। दिस इज कॉल्ड एज गैमा। डेल्टा में कितना चेंज आता है? डेल्टा बदल जाएगा? क्यों बदलेगा सर? 0.20 डेल्टा निकाला तो था। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, ध्यान दो, डायग्राम के साथ बताऊंगा, बहुत अच्छी चीज है। आपने ये देखा था पुराना डायग्राम जब हमने डेल्टा में डिस्कस किया था, इसमें एक गलती थी। क्या गलती थी? अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब प्राइस 50 से 55 हुई, जब प्राइस 50 से 55 हुई यानी 5 रुपए से प्राइस बदली, तो कॉल ऑप्शन का डेल्टा 8 से 10 हुआ यानी 2 रुपए से बदला। तो 2/5 हमने किया था, वो आया था कुछ आई थिंक 0.40 डेल्टा। ठीक है, कितना आया था डेल्टा? 0.40। अब जब 55 से 60 हो रही है तो 5 रुपए से प्राइस बढ़ रही है, तो अगर आप देख रहे हो 10 से 12 हो रहा है, यानी कि यहां पे भी 2/5 अगेन 0.40, जो कि गलत है, सेम नहीं रह सकता। जैसे जैसे मेच्योरिटी आती जाती है, जैसे जैसे इन द मनी होते जाता है, ऑप्शन इन द मनी हो रहा ना, कॉल ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस बढ़ रही है, कॉल ऑप्शन की स्पॉट प्राइस बढ़ रही है, इन द मनी होते जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे इन द मनी होते जाता है, कॉल ऑप्शन या डेल्टा मैंने बोला एक की तरफ भागने लगता है। तो एक्चुअल में ना ये यहां पे जो आप 0.40 का डेल्टा बोल रहे हो ना, अगली बार ये 0.40 नहीं रहेगा, अगली बार हो सकता है ये 0.55 हो जाए, डेल्टा बढ़ जाएगा, यानी कि द मूवमेंट इन ऑप्शन प्रीमियम विल इंक्रीज। पिछली बार 40 पैसे से बढ़ा था, 1 रुपए के स्टॉक प्राइस के लिए 40 पैसे से प्रीमियम बढ़ा था, अब 1 रुपए के स्टॉक प्राइस के लिए 40 नहीं 55 पैसे से प्रीमियम बढ़ेगा, क्योंकि और इन द मनी होते जा रहा है, यानी और अपेरेंट हो रहा है कि भाई अब ये ऑप्शन खरीदने से फायदा जरूर होगा, अब ये ऑप्शन खरीदने से पक्का है फायदा जरूर होगा, अब तो ऑप्शन खरीदने से कन्फर्म है फायदा जरूर होगा। अरे बात में समझ में आ रहा है? 3 लेवल मैंने बताया, ऑप्शन खरीदने से फायदा हो सकता है, चांसेस है 1 रुपए और स्टॉक प्राइस बढ़ गया यानी इन द मनी हो गया, और अबे ऑप्शन खरीद ले फायदे में जा रहा है, फिर और 1 रुपए से बढ़ गई, अबे और फायदे में जा रहा है, ऑप्शन खरीद ले फायदा हो सकता है, और 1 रुपए बढ़ गई, अबे डैम शोरूम है, ऑप्शन खरीद ले फायदे में जाएगा। ठीक है, जैसे आप समझ रहे हो मेरी बात को, जिस तरह से मेरी श्योरिटी बदल बढ़ रही है, श्योरिटी बढ़ रही है, उतनी ज्यादा डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड सेम रहेगी तो डेल्टा 0.40 सेम रहेगा, उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी तो डेल्टा की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो पुरानी डायग्राम में यह गलती आप नोट करना कि भैया सेम नहीं रहेगा डेल्टा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अभी 0.40 है तो डेल्टा अगली बार 0.55 हो सकता है, 0.70 हो सकता है आगे जाके। इसका मतलब यह है कि जो डेल्टा की वैल्यू हमको मिलती है वो एक बार के लिए ही ठीक रहती है। अब जैसे मैंने सेकंड टाइम मान लो 0.55 निकाला, ये उस टाइम के लिए ठीक है, अब ये पर्टिकुलर पॉइंट से आगे डेल्टा शायद और बढ़ जाएगा अगर स्टॉक प्राइस बढ़ी तो, लेकिन यहां से अगर मान लो स्टॉक प्राइस गिरी तो डेल्टा कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब मैं एक लाइन का आपको मतलब बताता हूं, ध्यान देंगे, ये चीज ध्यान दो। सिंस डेल्टा इज ओनली गुड फॉर अ गिवन मोमेंट इन टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही डेल्टा ठीक है, उसके बाद वो बदल जाता है। तो हमने वो 50 से 55 तक के लिए जो डेल्टा निकाला, ठीक है, इसी टाइम के लिए काम का, आगे काम का नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दो,
मैंने ये बोला कि अभी 0.40 डेल्टा है, अगली बार शायद 0.55 हो गया, क्योंकि और अपरेंट हो गया कि फायदे में ही रहेंगे ऑप्शन लेने से, तो डिमांड बढ़ गई तो डेल्टा बढ़ गया, तो प्रीमियम बढ़ा बहुत ज्यादा से बढ़ा, इसलिए डेल्टा भी बढ़ा, क्योंकि डेल्टा प्रीमियम से तो रिलेटेड है। अब ये जो डिफरेंस देख रहे हो आप, 40 से 55 का डिफरेंस कितना है, 0.15 का, इसको बोलते हैं गैमा, इसको बोलते हैं गैमा, दिस इज व्हाट इज वी कॉल इट एज अ गैमा, द चेंज इन डेल्टा फॉर द चेंज इन द स्टॉक प्राइस। हम पहले इन दोनों की पर मदद से डेल्टा निकालते थे, अब इन दोनों की मदद से हम गामा निकाल सकते हैं। सो 1 रुपए प्राइस बढ़ने से गामा कितना बढ़ेगा, ये भी हम इससे निकाल सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ गामा। गामा बताता है कि खुद डेल्टा में कितना चेंज होगा, ये 0.55। अब ट्रू पिक्चर में बता रहा हूं डेल्टा के ग्राफ की, पुराने ग्राफ्स मैंने बोला गलत है, तो अब ट्रू पिक्चर देखो क्या हो रही है। 50 से 55 जब गया तो 5 रुपए से स्टॉक प्राइस बढ़ी, कॉल की बात करते हैं सिर्फ, पुट छोड़ दो, तो कॉल देखो 8 से 10, यानी कि कॉल का प्रीमियम 2 रुपए से बढ़ा, स्टॉक 5 रुपए से, 2/5 करोगे 0.40 आंसर आएगा, ठीक है। अगली बार जब 55 से 60 गया तो चेंज इन स्टॉक प्राइस कितना, 5 था, लेकिन चेंज इन कॉल वैल्यू देखो कितनी है, 10 से 12.75, यानी कि कॉल अब 2.75 से बड़ा है। सो 2.75 डिवाइडेड बाय 5 करके देखो, ये आएगा 0.55। अगली बार देखो 60 से 65 में स्टॉक प्राइस कितनी बदली, 5 रुपए से, और ये 12.75 से 16.5 चला गया, ये 3 रुपए 75 पैसे से बढ़ा, देख रहे हो, 3 रुपए 75 डिवाइडेड बाय 5 करके देखो 0.75 हो गया। ये मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं सर, डेल्टा, ठीक है। अब देखो अगली बार लास्ट वाला आइटम, 75 से 70 कितना, 5 रुपए का चेंज आया स्टॉक प्राइस में, 16.5 से 21.5 चला गया प्रीमियम, ये कितने का चेंज है, ये भी 5 रुपए का चेंज है। सो 5/5 अगर करोगे तो क्या आएगा, 1, देख रहे हो, अब मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, देख रहे हो डेल्टा जैसे जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ रही है, इन द मनी होता जा रहा है कॉल ऑप्शन, वैसे ही डेल्टा 1 की तरफ भागे जा रहा है। अब यहां से 70 रुपए के बाद अगर 1 रुपए भी, मान लो 1 रुपए भी स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, 71 होता है, लेट्स से 71 हो गया, तो ऑप्शन का प्रीमियम 1 रुपए से बढ़ेगा, क्योंकि डेल्टा 1 रुपए, सॉरी डेल्टा 1 हो चुका है। डेल्टा यही तो रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शन का प्रीमियम कितने से बढ़ेगा, स्टॉक की वैल्यू में 1 रुपए की बढ़ोतरी होने से। 0.40 था तब तक मैं ये बोल सकता था कि 1 रुपए स्टॉक की प्राइस बढ़ी तो इधर 40 पैसे बढ़ेगा, 1 रुपए स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो इधर 55 पैसे बढ़ेगा, 1 रुपए स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो इधर 75 पैसे बढ़ेगा। अब 1-to-1 हो गया, पेनी टू पेनी, 1 रुपए स्टॉक की प्राइस बढ़ी, 1 रुपए प्रीमियम बढ़ा, 1 रुपए स्टॉक की प्राइस बढ़ी, 1 रुपए प्रीमियम बढ़ा, क्योंकि 0-to-1 है, अब 1 से ज्यादा नहीं जा सकता, 1 से ज्यादा नहीं जाता, ठीक है। सो अगली बार आप देखोगे 21.25 से 5 रुपए, यानी कि 26.25 बढ़ जाएगा, अगर ये 70 से 75 आप ले गए तो, अब 5-5 रुपए कांस्टेंट। अब आपकी लाइन ना ऐसे आ जाएगी ग्राफ, अगर डेल्टा की ग्राफ निकालोगे तो, ये तो मैंने डेल्टा का ग्राफ नहीं, ये ऑप्शन प्रीमियम और स्टॉक प्राइस का ग्राफ है। सो डेल्टा का ग्राफ कैसा आएगा मैं आपको बताऊं, कहीं खाली जगह मिले तो निकालो। डेल्टा का ग्राफ ऐसा आएगा, अगर आप ये स्टॉक प्राइस लो और ये आप डेल्टा लो, ऑप्शन प्रीमियम ना लेते हुए, तो एक लिमिट तक, लेट से 70 रुपए ले रहे थे ना हम, तो एक लिमिट तक क्या हुआ कि ऐसा हुआ, ठीक है। अब इसके बाद डेल्टा जो है, डेल्टा बढ़ता गया ना, अब इसके बाद डेल्टा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपए से ज्यादा नहीं, 1 रुपए स्टॉक प्राइस तो 1 रुपए डेल्टा, अच्छा सॉरी मैंने ऐसा निकाला ना, गलत हो गया, तो मतलब अब 1-1 रुपए का डिफरेंस आएगा, एग्जैक्टली 1-1 रुपए का डिफरेंस आएगा, पहले डिफरेंस ज्यादा था। सो गामा भी आपको समझ में आ गया, गामा क्या बताता है सर, चेंज इन, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे सर इसका, गामा का फॉर्मूला विल बी चेंज इन डेल्टा डिवाइडेड बाय चेंज इन स्टॉक प्राइस।
तो ये दो तीन चीजें थी जो मैंने समझानी थी आपको। अच्छा हाँ, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए अब पढ़ाई की बारी, ये आपके लिखने के काम आएगा। डेल्टा इज ओनली एक्यूरेट एट अ सर्टन प्राइस एंड टाइम। इन द डेल्टा एग्जाम्पल अबव जो हमने ऊपर में देखा था 1.40 वाला, 1 रुपए के बढ़ने से डेल्टा 40 पैसे से बढ़ा था। ठीक है, ऑप्शन की वैल्यू 40 पैसे से बढ़ी थी। अब डेल्टा क्या है, अब 40 पैसे नहीं रहा। एज वी स्टेटेड दिस 1 रुपी मूव वुड कॉज अ कॉल ऑप्शन टू बी डीपर इन द मनी, और फायदे में चला गया। देयर फोर द डेल्टा विल मूव क्लोजर टू 1 एंड इट कैन अज्यूम लेट्स से 0.55। और यही सब चीजें आगे लिखी हुई है। ये चीज अब ध्यान दो, मैं आपको इसमें कुछ चीजें बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ। हम मानते हैं स्टॉक की प्राइस अभी चल रही है 50, सॉरी लेट्स से 50 स्टॉक की प्राइस है, और 50 ही आपका एट द मनी कॉल ऑप्शन है मान लो। ठीक है, सो स्टॉक की प्राइस 50, स्ट्राइक प्राइस 50। 50 से अब उधर गया, 50 से अब उधर गया तो इन द मनी, इधर गया तो आउट ऑफ द मनी। आप देख सकते हो ये है डेल्टा। अगर 50 पे है यानी एट द मनी पे है तो डेल्टा आप देख रहे हो 0.50 है, और धीरे धीरे बढ़ रहा है तो डेल्टा भी बढ़ते जा रहा है, 0.60, 0.68, फिर 1 की तरफ जा रहा है, और ये इधर में आ जाएगा आपका 0.40, 0.32, ये -1 की तरफ भाग रहा है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान देंगे तो स्टॉक कितने से कम हुआ, 1 रुपए से कम हुआ, तो डेल्टा अगर आप देखोगे तो 0.10 से कम हुआ है। ठीक है, इन द मनी से आउट ऑफ द मनी में आने से डेल्टा 0.10 से कम हुआ। लेकिन ध्यान देंगे, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, एट द मनी से आउट ऑफ द मनी जब हुआ तो 0.10 से बदला, लेकिन अब आउट ऑफ द मनी से फिर आउट ऑफ द मनी होगा तो अब जो है डेल्टा ये आपका, सॉरी डेल्टा आपका कम हो जाएगा, और सब्सिक्वेंटली आपका गैमा भी कम हो जाएगा। अब गैमा देख रहे हो 0.10 हाईएस्ट कब है, एट द मनी के पास में हाईएस्ट है, एट द मनी से आउट ऑफ द मनी हो या इन द मनी हो। दूसरी चीज और मैं बताता हूं, अब एक छोटी सी चीज, जैसी एक्सपायरेशन नजदीक आती है, एक्सपायरेशन नजदीक आती है तो एक दिन में इन द मनी एट द मनी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं ये सब हटाता हूं पहले, जब 60 दिन थे एक्सपायरेशन को, 60 दिन थे एक्सपायरेशन को, और यहां एक ही दिन है एक्सपायरेशन को, तो डेल्टा देखो यहां 0.50 है डेल्टा, यहां 0.40 है, और यहां 0.50 है, और यहां 0.10 है। आउट ऑफ द मनी आने से एक दिन ही बाकी है और आउट ऑफ द मनी हो गया तो सीधी वैल्यू गिर गई, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है एक्सपायरेशन में। वैल्यू इसलिए गिरी कि अब इन द मनी जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर इन द मनी में चला गया, मान लो 50 से 51 स्टॉक हो गया एक दिन पहले, अब सिर्फ एक दिन बाकी और इन द मनी हो गया, बट से बढ़ेगा ऑप्शन का प्रीमियम, बहुत से बढ़ेगा, क्योंकि अब फायदे में हो गया, अब वापस नीचे आना कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो जब 60 दिन थे तब सिर्फ 50 और 60 था, और ये 60 दिन से 50 से डायरेक्ट 90 पे जंप कर गया। जब एक्सपायरेशन कम होती है तो सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस। एट द मनी पे चांसेस दोनों होते हैं, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी जाने के, इसलिए अमाउंट ज्यादा होती है डेल्टा की और गैमा की। लेकिन इन द मनी से इन द मनी में शिफ्ट हो या आउट ऑफ द मनी से आउट ऑफ द मनी में शिफ्ट हो, तो मतलब तो वही हो ना, पहले भी आउट ऑफ द मनी था और अब भी आउट ऑफ द मनी है, पहले भी इन द मनी था अब भी इन द मनी है। आ रही बात समझ में? तो आप अगर यहां देखोगे तो 60 से 68 है, सिर्फ 8 से फर्क, या 90 से 99 है, सिर्फ 9 से फर्क। लेकिन यहां अगर आप देखोगे तो 40 से गामा बढ़ा है, यहां 0.09 से ही गामा बढ़ा है। सो एक चीज मैं आपको, दो चीजें यहां से कंक्लूजन निकालूंगा। देर विल बी सिग्निफिकेंट, पहली चीज, देर विल बी सिग्निफिकेंट चेंजेस इफ द ऑप्शन इज एट द मनी। देर विल बी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द गैमा एंड डेल्टा इफ द ऑप्शन इज एट द मनी। ठीक है, पहली चीज, एज कंपेयर टू द इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। दूसरी चीज,
there will be significant changes in the options gamma and delta for short maturity as compared to the longer maturity. शॉर्ट मेच्योरिटी में सिग्निफिकेंट चेंजेस होंगे. सो 50 से सीधा 10 पे गिरा, 50 से सीधा 90 पे बढ़ गया, 40 का फर्क दिखा. यहां 10 का फर्क दिख रहा है, यहां 40 का फर्क दिख रहा है, ये फर्क है. सो दिस इज द गैमा. गैमा क्या है सर? गैमा इन दोनों के बीच का डिफरेंस है. दो डेल्टा के बीच का डिफरेंस इज गैमा फॉर 1 रुपी. तो आप देखोगे 49 से 48 गया, 1 रुपए कम हुआ, और डेल्टा 0.10 से 0.01 गया, तो ये कितना? 0.09 हुआ. सो व्हाट आई कैन से इज गैमा इज इक्वल टू चेंज इन डेल्टा, दैट इज 0.10 माइनस 0.01, और चेंज इन स्टॉक प्राइस 49 माइनस 48, दैट्स 0.09. सिंपल. सो डेल्टा हो गया, गैमा हो गया, लेट्स डिस्कस अबाउट द रो. रो बहुत ही सिंपल सी चीज है. रो क्या डिनोट करता है? चेंज इन द ऑप्शन वैल्यू फॉर 1 रुपी चेंज इन द स्टॉक प्राइस. ठीक है. सो सॉरी, स्टॉक प्राइस नहीं, गलत बोल रहा हूँ ना, रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो लेट्स से द ग्राफ इज दिस. सो इफ 8% रेट इज देयर, 9% रेट इज देयर, 10% एंड 12% इज देयर, ऑप्शन प्रीमियम इज लाइक दिस, 2, 4, 6, 8, 10. फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं. ठीक है, मान लो 9% रेट चल रहा है और प्रीमियम 4 रुपए है. अब अगर प्रीमियम 9 से 10% हो गया, अब मान लो ये 9 से 10% हो गया, तो चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 1%. ठीक है, तो ऑप्शन प्रीमियम कहां पे था सर? 4 रुपए पे था. अब यहां से कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कहां जाएगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, ध्यान दो, आप फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन वैल्यूएशन में जाना. जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो लोग क्या चाहेंगे पता है? कि मैं ऑप्शन खरीद लूं और बाकी का पैसा बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट पे जमा करा दूं, ताकि इंटरेस्ट ज्यादा मिले. तो ऑप्शन की डिमांड बढ़ती है. कॉल ऑप्शन की डिमांड बढ़ी तो प्रीमियम बढ़ता है. प्रीमियम बढ़ा तो आपका अल्टीमेटली ये यहां से मान लो आ गया आपका, लेट से 8. 8 भी नहीं लेते, बहुत ज्यादा ले लिया मैंने, 4 से आ जाएगा मान लो, लेट से 4.5. अब यहां पे मैंने फिगर्स कम लिया, सो ये आ गया 4.5. सो 50 पैसे आपका रो आया. अगर रो 0.50 है, रो अगर आपका 0.50 है, तो इसका मतलब होता है कि 1% चेंज इन इंटरेस्ट रेट विल रिजल्ट इनटू 50 पैसे चेंज इन प्रीमियम, ऑप्शन का प्रीमियम. सिंपल. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ रो. उसके बाद थीटा. थीटा टाइम टू एक्सपायरेशन. डायग्राम देखो, अभी 90 दिन बाकी है, अभी 60 दिन बाकी है, अभी 30 दिन बाकी है, और अब कुछ भी दिन बाकी नहीं है. ठीक है, ये ऑप्शन का प्रीमियम है. थीटा की डायग्राम कैसे होती है पता है? लेट से द स्टॉक प्राइस इज 50, स्ट्राइक प्राइस इज 50, एंड बाकी सब चीजें सेम रखते हैं ना, क्योंकि हमको सिर्फ टाइम बदलना है. एंड द ऑप्शन प्रीमियम इज 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. मान लो अभी जो ऑप्शन की वैल्यू है वो है यहाँ पे 12 पे. जैसे ही एक दिन कम होएगा, सबसे घटिया बात होती है ये बायर के लिए, कि टाइम टू एक्सपायरेशन या थीटा की वैल्यू गिरती जाती है, या थीटा में प्रीमियम की वैल्यू गिरती जाती है. सो जैसे जैसे एक एक दिन कम होते जाएगा, ये जो ऑप्शन का प्रीमियम है ये अप्रोच करेगा जीरो की तरफ, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, और आखिरी में जाके ऑप्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है, क्योंकि अब टाइम तो बचा ही नहीं है.
क्यों कोई खरीदेगा? उधर आप 50 में बेच रहे हो, इधर आप 50 में बेच रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेच्योरिटी सेम आ गई ना, एक ही दिन की बात है, 50 में उधर बेच रहे हो, 50 में इधर बेच रहे हो, तो लोग इधर 50 में खरीदने के लिए कुछ प्रीमियम देना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि उधर डायरेक्टली 50 में मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। इधर 50 में खरीदने के लिए प्रीमियम दोगे? नहीं दोगे, तो जीरो वैल्यू होगी ना, ये जीरो हो जाती है वैल्यू थीटा के केस में, धीरे धीरे, ठीक है। सो 90 से 60 कितना? 30 दिन, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये लाइन है, तो ये लाइन आ रही है 10 पे और ये 12 था, ठीक है। तो यहाँ था 12, यहाँ था 10, तो कितने का डिफरेंस आया सर? ये 30 दिन का डिफरेंस और ये 2 रुपए का प्रीमियम। तो अगर आप ध्यान दोगे तो थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं? थीटा इज नथिंग बट चेंज इन वैल्यू ऑफ द ऑप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो चेंज इन वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, 2 रुपए से वो ऑप्शन की वैल्यू गिरी, ठीक है। ये और थीटा हमेशा निगेटिव होता है, गिरी ना, थीटा हमेशा निगेटिव होता है बायर्स के लिए। और टाइम कितना? 30। तो ऑप्शन का थीटा कितना आ गया? 0.0667 निगेटिव, ये ऑप्शन का थीटा हो गया आपका। ये निगेटिव रहेगा हमेशा, क्यों? क्योंकि ये गिरती जाती है वैल्यू, ये बढ़ता नहीं है, इसका ग्राफ कभी ऐसा नहीं दिखेगा आपको, ये गिरती जाती है, तो हमेशा निगेटिव रहेगा बायर्स के लिए। बाय डिफॉल्ट हम बाय ही मानते हैं, बढ़ता तो पॉजिटिव आता। देखो ये रहा डायग्राम, सो अगर आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे, तो 90 से 60 हुआ 30 दिन का फर्क, और ये है मान लो 17 रुपए पे, और ये तकरीबन आ गया आपका 15 रुपए पे। सो 2 रुपए का फर्क और यहाँ 30 रुपए का फर्क, तो 2/30 करोगे तो 0.0667, और ये 2 रुपए से गिरा है तो निगेटिव, तो ये निगेटिव थीटा क्या आ गया? निगेटिव आ गया। धीरे 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 ये 0 पे जाते जाता है। ये एट द मनी ऑप्शन का ग्राफ है, निकाल जरूर लेना, एग्जाम में आए तो आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। वेगा की बात करते हैं, मैंने बताया था आपको स्टॉक की तीन चार चीजें होती है। एक तो होता है स्टॉक प्राइस, ठीक है, जिस पे हमने डेल्टा को रिलेट किया था ऑप्शन की वैल्यू से। फिर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हमने रो से। फिर होता है टाइम टू मैच्योरिटी या एक्सपायरी, इसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया था। फिर होता है आपका स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस छोड़ दो अभी, आज सच काम नहीं, वोलेटिलिटी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है वेगा। इन सब की मदद से ही तो ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल में आप कॉल की वैल्यू और पुट की वैल्यू निकालते थे। ये 5, लेट्स से द वेगा, द वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी इज 10%, यानी कि स्टॉक की प्राइस जो आप 50 रुपए बोल रहे हो उसमें 10% ऊपर नीचे हो सकता है, यही वोलेटिलिटी है। लेट्स 5 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। सो इफ द वोलेटिलिटी इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम 10 to 20%, देर विल बी सर्टनली द चेंज इन द ऑप्शन प्रीमियम। अब इसका लॉजिक मैं बताता हूं, स्टॉक की प्राइस है 50 50 50 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10 20 30, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस एंड दिस इज कॉल ऑप्शन। अब एक चीज दिमाग में बैठा लो, कॉल ऑप्शन में मार्केट में स्टॉक की प्राइस बढ़े तो अच्छी बात है, क्योंकि हमको फायदा ज्यादा होता है। कैसे? लेट्स से द स्ट्राइक प्राइस इज 45 45 एंड 45। जब मार्केट में 50 रुपए की प्राइस है तो 45 में तो राइट मिल रहा ना अपन को, तो हमको फायदा कितने का होगा सर? यहाँ पे +5 का फायदा है। लेकिन स्टॉक प्राइस अगर मार्केट में और बढ़े तो हम एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे बढ़ा के देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोलता है? 10% 20% 30% क्या बोलता है? 10% ये बोलता है कि स्टॉक की प्राइस 10% से ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। स्टॉक की प्राइस 20% से ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ठीक है। सो इट कैन गो डाउन टू, गो अप टू 55, गो डाउन टू 45, इट कैन गो अप टू अराउंड 60 एंड 40, इट कैन गो अप टू
65 एंड 35, ठीक है। अब क्या होता है, अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ, ऑप्शन एक्सरसाइज कब नहीं होगा, जब मार्केट में आप इन प्राइसेस का पता लगाओगे कि यार मार्केट में 40 रुपये 45 में मिल रहा, तो देखो मार्केट में 45 में अगर मिल रहा तो आप 45 में खरीदोगे, नहीं, मार्केट में 40 में मिल रहा है तो क्या आप 45 में करोगे, नहीं, 35 में मिल रहा तो क्या 45 में ऑप्शन में खरीदोगे, तो ऑप्शन कहाँ एक्सरसाइज हो रहा है, और एक्सरसाइज हो रहा है नहीं, तो ऑप्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, गिर के 0 0 0, ये तो कंफर्म है ना कि लोअर साइड गया तो भैया इससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं है, लेकिन अपर साइड गया तो फायदे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर अपर साइड गया मान लो 55 गया, तो क्या आप 45 में खरीदना पसंद करोगे, हाँ, तो फायदा कितने का होगा सर, 10 रुपए का। 60 गया तो 45 में खरीदना पसंद करोगे, हाँ, तो फायदा कितने का होगा 15 का, फायदा कितने का होगा 20 का। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि वोलेटिलिटी बढ़ने से फायदे में ऑप्शन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, ध्यान दो। तो अब आप मेरे को एक चीज बताओ, बाकी सारी चीजें सेम है, कौन से वोलेटिलिटी वाला ऑप्शन खरीदना पसंद करोगे, कॉल ऑप्शन। मैं रहूंगा तो मैं हाई वोलेटिलिटी वाला ऑप्शन खरीदना पसंद करूंगा, क्यों, निगेटिव साइड गया भी तो मेरा तो सिर्फ प्रीमियम ही जाना है। भाई ध्यान दो, आपने 55 कम वोलेटिलिटी वाला भी खरीदा तो नुकसान कितना है, जीरो, ज्यादा वोलेटिलिटी वाला भी खरीदा तो नुकसान कितना है, जीरो। आ रही बात समझ में, जीरो से ज्यादा तो जा नहीं रहा, प्रीमियम तो अलग बात हो गई। तो अब एक चीज बताओ, हाई वोलेटिलिटी वाला खरीदोगे कम से कम नुकसान रुक गया ना आपका, प्रॉफिट होने के चांसेस कब बढ़ेंगे, जब वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तो मैं हाई वोलेटिलिटी वाला खरीदूंगा, आई बात समझ में। तो गिवन एन ऑप्शन, इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, हाई वोलेटिलिटी वाली की डिमांड ज्यादा रहेगी, इस चीज की डिमांड ज्यादा रहेगी, तो वोलेटिलिटी हाई है तो कॉल ऑप्शन की डिमांड ज्यादा है, कॉल ऑप्शन की डिमांड ज्यादा है तो कॉल ऑप्शन का अल्टीमेटली प्रीमियम ज्यादा होगा। तो अब जब आप प्रीमियम की बातें करोगे ना यहां पे बैठ के, तो प्रीमियम कुछ आपको ऐसे दिखेंगे, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पे लेट से 5 रुपए, यहाँ 8 रुपए, यहाँ 10 रुपए। क्यों प्रीमियम ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, हाई वोलेटिलिटी हाई प्रीमियम, डिमांड ज्यादा है तो ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी, वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेगा। वेगा इज नथिंग बट चेंज इन द ऑप्शन वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन वोलेटिलिटी। सो चेंज इन द ऑप्शन वैल्यू इज, यहां से यहां देखो, 20 से 30 ऑप्शन की वैल्यू कितनी बढ़ी, सॉरी वोलेटिलिटी कितनी बढ़ी सर, 10% से, और ऑप्शन की वैल्यू 2% से, तो वेगा कितना हो गया 20, ठीक है। अब देखो, तो अब एक चीज देखो यहां पे, अब हम क्या कर रहे हैं, वोलेटिलिटी को और बढ़ाते हैं, उससे होगा क्या, ध्यान देना, अगर हम वोलेटिलिटी को 30 से हम 40% कर दें, 40% कर दें, तो अब स्टॉक प्राइस 50 की कितनी हो जाएगी, 5 और 40 यानी 70 रुपए हो जाएगी। आपके पास ऑप्शन कितने हैं, 45 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का खरीदा हुआ है, अब और एपरेंट हो गया कि इन द मनी ही रहेगा, यानी कि अब फायदा आपको कितना हो रहा है यहाँ पे, 25 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन में फायदा कितना हो रहा है आपका, 25 रुपए का फायदा हो रहा है। तो अब क्या, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि फायदा बहुत ज्यादा है, तो अब ये 10 रुपए से सीधा चले जाएगा 14 रुपए पे मान लो। अब वेगा निकाल के देखो, चेंज इन वैल्यू डिवाइड बाय चेंज इन वोलेटिलिटी, 10 से 14 में कितनी वैल्यू बढ़ी, 4, लेकिन वोलेटिलिटी 30 से 40 में 10 बढ़ी, यानी कि अब वेगा कितना है, 0.40। एक चीज आपको समझ में आ रही है, वोलेटिलिटी हाई है तो वेगा भी हाई होगा, ठीक है, ये आ गया एक चीज। समराइज करता हूं मैं सारी की सारी चीजें, अब अगर आपको अब तक का कुछ भी दिमाग में आया नहीं होगा ज्यादा, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मोटा मोटी आप दिमाग में रखो, इतना सारा पढ़ोगे तो इतना सा लिख पाओगे, एग्जाम में आपके सिलेबस में इतना सा ही है, 4 पेज, 1 पेज का लिखा हुआ है सिर्फ, नो एग्जाम्पल्स, नथिंग नथिंग नथिंग, नो फिगर्स। मैंने आपको अगर 2 दिया हुआ है एग्जाम आपके सिलेबस में, तो 10 करके बताया है, ठीक है, सो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, ये चीजें आप एग्जाम में जरूर लिखना, अगर ऑप्शंस ग्रीक पे कुछ आए तो। 5 तरह के हमने ग्रीक्स देखे, एक था आपका डेल्टा, फिर था गामा, रो, वेगा और थेटा,
पांच तरह के ग्रीक्स होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके सिंबॉल क्या है? तो सर ये रहा, ये है डेल्टा का सिंबॉल, उसके बाद में ये गामा का सिंबॉल, वेगा, वेगा, थीटा एंड रो, ये सिंबॉल भी लिखते आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इनका एक एक लाइन में मतलब लिखो, ठीक है? ये रिप्रेजेंट क्या करता है हम ध्यान देंगे। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शन की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा स्टॉक प्राइस में फर्क पड़ने से, सो दिस इज वी जीरो एंड एस जीरो, इन दोनों का रिलेशन। गामा रिप्रेजेंट करता है कि डेल्टा में कितना फर्क पड़ेगा, सो दिस इज डेल्टा जीरो एंड दिस इज स्टॉक प्राइस एस जीरो अगेन, सो स्टॉक प्राइस दो जगह यूज हो रही है। रो रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शन की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा इंटरेस्ट रेट में फर्क आने से, आर फॉर वी जीरो। थीटा बोलता है ऑप्शन की वैल्यू फॉर टाइम टू एक्सपायरी, एक दिन डिले होने से, सो दिस इज टी फॉर वी जीरो। वेगा, वेगा बोलता है ऑप्शन की वैल्यू फॉर वोलेटिलिटी, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन यू कैन से, फॉर वी जीरो। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है ये भी लिखना जरूरी। इसके बाद इनके फॉर्मूले पे आ जाते हैं, फाइनली हम लिखते हैं फॉर्मूला। डेल्टा इज चेंज इन ऑप्शन वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन स्टॉक प्राइस। कॉल ऑप्शन के लिए डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, पुट ऑप्शन के लिए डेल्टा निगेटिव रहेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है? गामा, चेंज इन द डेल्टा जो हमने पहले कैलकुलेट किया डिवाइड बाय चेंज इन स्टॉक प्राइस। रो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, चेंज इन ऑप्शन वैल्यू फॉर चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। थीटा, थीटा, चेंज इन ऑप्शन वैल्यू फॉर चेंज इन आपका क्या गया, थीटा यानी कि टाइम टू एक्सपायरी, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। वेगा, चेंज इन ऑप्शन वैल्यू फॉर चेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? और यू कैन से चेंज इन ऑप्शन वैल्यू, नाम कुछ भी लिखो, मतलब समझ में आना चाहिए, फॉर चेंज इन वी। सो दिस इज वॉट ऑल यू हैव टू राइट। कॉल ऑप्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, पुट ऑप्शन, सॉरी कॉल नहीं, आपका डेल्टा, गामा, रो, थेटा और वेगा, ये पांच चीजें, पांच सिंबल, इसके रिप्रेजेंट क्या करता है और फॉर्मूले क्या है। इसके अलावा दो चार चीजें जरूर लिखना। कॉल ऑप्शन ये जो है, जैसे मैं आपको अगर कहीं निकाल के दूं यहाँ पे, ठीक है? डेल्टा, डेल्टा की बात करते हैं तो ये एक डायग्राम है आपकी, जीरो वन माइनस वन, यहाँ होता है 0.50, यहाँ होता है 0.50, ये निगेटिव है, ठीक है? दिस इज द एरिया ऑफ पुट, दिस इज द एरिया ऑफ कॉल, ठीक है? इन द मनी कॉल ऑप्शन, एट द मनी कॉल ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, इन द मनी पुट ऑप्शन, एट द मनी पुट ऑप्शन और आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन, समझ में आ गया? जैसे जैसे स्टॉक की प्राइस बढ़ती है डेल्टा जो है एक की तरफ भागने लगता है, प्रीमियम की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे स्टॉक की प्राइस बढ़ती है पुट की प्रीमियम गिरती है, तो डेल्टा माइनस वन की तरफ भागने लगता है, यानी स्टॉक की प्राइस बढ़ने से कॉल और पुट का डेल्टा वन की तरफ भागने लगेगा, अपने अपने वन की तरफ, ये वन पॉजिटिव, ये वन निगेटिव। स्टॉक की प्राइस गिरने से क्या होगा? सो स्टॉक की प्राइस गिरने से, अच्छा मैंने गलत बोला थोड़ा सा, स्टॉक की प्राइस बढ़ने से कॉल का प्रीमियम बढ़ता है तो डेल्टा एक की तरफ भागेगा कॉल का, स्टॉक की प्राइस बढ़ने से पुट का प्रीमियम गिरता है तो डेल्टा उसका जीरो की तरफ भागेगा। यानी कि बोलने का मतलब अब मैं समझा रहा हूं, अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ी, ठीक है, तो कॉल का प्रीमियम इधर भागेगा, ठीक है, और पुट का प्रीमियम इधर भागेगा जीरो की तरफ, जीरो माइनस वन, जीरो और वन, ठीक है? दोनों एक ही साइड भाग रहे हैं, लेकिन वो जीरो तक भागेगा, वो वन की तरफ भागेगा। अगर स्टॉक प्राइस गिरती है तो कॉल का डेल्टा इधर भागेगा जीरो की तरफ, और पुट का डेल्टा माइनस वन की तरफ भागेगा। आई बात समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्शन ग्रीक्स, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। बेसिकली डेल्टा, गामा, वेगा, रो और थीटा का मतलब क्या होता है, नोट इट डाउन एंड देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कॉन्सेप्ट। बाय बाय।